ओके, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लोड सिलेक्शन क्या है और सेव सिलेक्शन क्या है। अगर आप लोग एडोब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं और आप लोग सिलेक्शन में काफ़ी मास्टर हैं और आप लोग काफ़ी बड़ी बड़ी सिलेक्शन जो हैं वो उनको करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को क्रॉप करते हैं या फिर उसके अंदर आप लोग कुछ चेंजिंग करते हैं कलर की, लाइटिंग की, ब्राइटनेस की, तो वो जो सिलेक्शन आपने की है जिस एरिया पे आप लोग कुछ कोई भी इफेक्ट जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उस सिलेक्शन को थोड़ी देर के लिए डीसेलेक्ट कर दें और अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करें या फिर उसी इमेज के दूसरे पार्ट में काम करें और उसके बाद आप लोग वो सिलेक्शन दोबारा ले लें और दोबारा उस सिलेक्शन में काम करना शुरू कर दें, नॉर्मली तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर नज़र आता है, क्योंकि जब हम लोग एक सिलेक्शन लेते हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म किया जाए ताकि अगर सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाएगी तो हम लोगों को कंट्रोल जेड करना पड़ेगा और उसके साथ हमारा एक स्टेप जो है वो अंडू भी होगा। और इसके अलावा हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जो इतनी बड़ी सिलेक्शन ली है उसको डीसेलेक्ट करें, तो आज हम लोग उसी के लिए लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेव सिलेक्शन ये है कि जब भी हम लोग किसी बड़ी सिलेक्शन को लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पेन टूल की क्रॉपिंग की है और हम लोगों ने डीवीडी टू में हम लोगों ने पेन टूल से क्रॉपिंग की है और हम लोगों ने डीवीडी टू में प्रॉपरली एक सिलेक्शन के बारे में ट्यूटोरियल पढ़ा है जिसके अंदर हम लोगों ने पेन टूल से पाथ बनाया है और उसके बाद उसकी सिलेक्शन की है, तो वो काफ़ी लंबी वीडियो है और उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं सिलेक्शन के बारे में कि हम लोग किस तरह सिलेक्शन को राउंड कर सकते हैं और किस तरह उसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अगर मैं उस सिलेक्शन को सेव कर लूँगा तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको दोबारा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक माय लैजो टूल और मैं अपने लैजो टूल का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा फोटोशॉप में और मैं यहाँ से एक सिलेक्शन लूँगा समथिंग लाइक दिस। अब मैं अपने मेन मेन्यू में से सेलेक्ट में जाऊँगा और सबसे जो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास फोटोशॉप CS3 में वो है सेव सिलेक्शन, मैं इसको क्लिक करूंगा और मेरे सामने यहाँ पे सेव सिलेक्शन का एक बॉक्स ओपन होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जो सिलेक्शन मैं सेव कर रहा हूँ वो अनटाइटल्ड वन की है क्योंकि मैंने इस वक्त इस फाइल को अभी तक कोई टाइटल नहीं दिया, इसको मैंने सेव नहीं किया, सो इट्स गोना बी अनटाइटल्ड वन और ये एक न्यू चैनल बनेगा और इसका नाम होगा रॉ सिलेक्शन एंड आई एम प्रेस ओके। अब अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा या फिर मैं सेलेक्ट से डी सेलेक्ट भी कर सकता हूँ और मैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट जस्ट गोइंग टू शो यू कि हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जस्ट फॉर ए नॉर्मल और हम लोगों ने कुछ भी ड्राइंग बनाई है या फिर एनीथिंग और मुझे अब वो जो सिलेक्शन है वो मुझे दोबारा चाहिए, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू मैं दोबारा सेलेक्ट में जाऊंगा एंड आई एम गोना सेलेक्ट लोड सिलेक्शन, मैं लोड सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं हमारी एक सिलेक्शन है जो कि रॉ सिलेक्शन है चैनल रॉ सिलेक्शन, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड आई एम प्रेस ओके, तो ये वो हमारी सिलेक्शन है जो कि हम लोगों ने पहले ली थी कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट और मैं यहाँ पे दोबारा एक और सिलेक्शन लूँगा और मैं इसको भी सेव करूंगा और ये एक न्यू सिलेक्शन होगी, ये रॉ सिलेक्शन के अंदर नहीं है, ये न्यू सिलेक्शन है और इसका नाम होगा रॉ सिलेक्शन टू, प्रेस ओके कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। अब मैं किसी भी वक्त अपने सिलेक्ट और लोड सिलेक्शन के मेन्यू में से रॉ सिलेक्शन या रॉ सिलेक्शन टू को सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको लोड कर सकता हूँ, सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा टू दिस सिलेक्शन और मैं दोबारा लोड सिलेक्शन में जाऊँगा, एंड लाइक दिस यू कैन
सेव योर सिलेक्शन, आप अपनी सिलेक्शन जो है की हुई उसको सेव कर सकते हैं और दोबारा उसको लोड कर सकते हैं. दिस इज जस्ट ए सिंपल ट्यूटोरियल अबाउट लोड एंड सेव योर सिलेक्शन.